ஓம் அஜ்ஞானத் விரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஶலாகயா சக்ஷுஹு உன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரோ ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விசாகான்விதாம்ச நமாவோம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமினிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷா சூன்யவாதி பாஷ்சாத்ய தேசதாரிணே நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌரத்விஷே நமஹ. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கீ ராதே விருந்தாவனேஸ்வரீ ரிஷபானோ சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. வாஞ்சா கல்பதருப்யஶ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பகவதே நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயே நஷ்ட ப்ராயேஷ்வ பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவத்யுத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்த கோப குமாராய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. ஆஜ் ஹம் படு ரஹே ஹே பாகவத் கே சௌதீஸ் ஸ்கந்த் கே 30வாம் அத்யாய் ஸ்லோக நம்பர் 42. நம சமாய சுத்தாய புருஷாய பராய ச வாசுதேவாய சத்வாய துப்யம் பகவதே நம. நம சமாய சுத்தாய புருஷாய பராய ச வாசுதேவாய சத்வாய துப்யம் பகவதே நம. நம சமாய சுத்தாய புருஷாய பராய ச வாசுதேவாய சத்வாய துப்யம் பகவதே நம. நம சமாய சுத்தாய புருஷாய பராய ச வாசுதேவாய சத்வாய
तुभ्यं भगवते नमः नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च आय सत्ताय माताजी तुभ्यं भगवत नमः नमस्कार समाय सर्वसमको शुद्धाय जो कभी पाप कर्मों द्वारा दूषित नहीं होता पुरुषाय परम पुरुष को पराय दिव्य च भी वासुदेवाय सर्वत्र रखने वाले को सत्पाय उसे जो दिव्य पद को प्राप्त है तुभ्यं तुमको भगवते भगवान को नमः नमस्कार। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की हे भगवान, आपके न तो शत्रु हैं न मित्र, अतः आप सबों के लिए समान हैं। आप पाप कर्मों के द्वारा कलुषित नहीं होते और आपका दिव्य रूप सदैव भौतिक सृष्टि से परे है। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। ऐसे प्रचेत लोग भगवान विष्णु को बोल रहे हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कहलाते हैं, क्योंकि वे सर्वत्र निवास करते हैं। वस शब्द का अर्थ है बसना या निवास करना। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, एक कोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटिम। भगवान अपने स्वांशों द्वारा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। परमाणु चयांतरस्थम, सर्वत्र रखने के कारण भगवान वासुदेव कहलाते हैं। इस संसार में सर्वत्र रहते हुए भी वे प्रकृति के गुणों से कलुषित नहीं होते। अतः ईशोपनिषद में भगवान को अपाप विद्धम कहा गया है। वे प्रकृति के गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते। जब भगवान इस लोक में अवतरित होते हैं तो वे अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। वे असुरों को मारते हैं और ऐसे कार्य करते हैं जिनकी अनुमति वेद नहीं देते, अर्थात जिन्हें पापपूर्ण माना जाता है। यद्यपि वे इस प्रकार के कार्य करते हैं, किंतु अपने कर्म से वे दूषित नहीं होते, इसीलिए यहाँ पर उन्हें शुद्ध कहा गया है। भगवान सम भी हैं। इस संबंध में भगवद गीता का कथन है, समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषोऽस्ति न प्रियः। भगवान का ना कोई मित्र ना कोई शत्रु, वे सबों के लिए समान सम हैं। सत्वाय शब्द सूचित करता है कि भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, यह सच्चिदानंद विग्रह है। ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर हमारे भौतिक शरीर से भिन्न होता है। कोई यह न सोचे कि भगवान के भी हमारे जैसा भौतिक शरीर है। तो इधर आप लोग प्रचेताओं के द्वारा प्रचारकों के कार्यकलाप इत्यादि के बारे में चल रहा है यह अध्याय। प्रार्थना बहुत सुंदर है। प्रातः काल में हम लोग
भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करेंगे, ऐसे दिव्य गुण हमारे मन में बस जाएंगे तो दिन भर हमारा मन मंगलमय रहेगा। तो एक एक शब्द जो शास्त्र इस्तेमाल करते हैं उसके संबंध में शास्त्र ही समुद्र के बराबर विस्तृत रूप से भगवान के एक एक गुणों का वर्णन भी किया है लीलाओं के द्वारा। तो हम संक्षिप्त रूप में ये हर एक गुण के बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लेंगे आज के सत्र में। पहले बोलते हैं नमः समाय, इसका मतलब है सबको समता के दृष्टि से देखना। इस दुनिया में देखा जाता है, मान लीजिए अगर आप एक कंपाउंड में रहते हो अपने घर में, ये कंपाउंड के कचरे को लेकर लोग पड़ोस के कंपाउंड में फेंकते हैं, है ना, और पड़ोस वाले चिल्लाएंगे। लेकिन मान लीजिए इस घर वाला पड़ोस के कंपाउंड में रहने वाले किसी स्त्री के साथ उनका विवाह हो जाता है, क्या इसे फेंकेंगे तब? कैसे कचरा फेंकेंगे? क्योंकि वो तो संबंधी हो जाते हैं ना, संबंधी के घर में कैसे कचरा फेंकेंगे आप? इसलिए वो अभी आपके नाता रिश्ता हो गए हो, ठीक है, अभी दोनों के घर के लोग जुड़ जाएंगे और अपने जो कचरा है उसको भी बुधा नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं फेंकेंगे, दूसरे बाजू में फेंक देंगे उसका, है ना। इस तरह जीव जो होता है इस दुनिया में वो मैं तू तू का भावना उसके पास होता है, ये हमारे हैं ये हमारे नहीं है, इस तरह। और उसको विभाजन करने का उसका आधार क्या होता है? शरीर से संबंधित। अगर मेरे शरीर से संबंधित कोई हो, शारीरिक संबंध हो, वो हमारे हो गए। अगर नहीं तो मेरे इंद्रिय तृप्ति को कोई पूरा करता हो, पूर्ति करता हो उसको, वो भी मेरे से संबंधित है। लेकिन बाकी लोगों को हम नकार देते हैं, वो हमारे नहीं है, या तो वो न्यूट्रल होते हैं नहीं तो दुश्मन होते हैं बाकी लोग। कुछ लोग और थोड़े विशाल हृदय होता है उनकी, वो सोचते हैं कि हमारे सब जाति वालों को मदद करना चाहिए। कुछ लोग एक जाति के होते हैं और अपने जाति के लोगों को सरकार में कुछ नौकरी कैसे मिल सकता है? अगर हमारा जाति के एक व्यक्ति को सरकारी पदवी हो, उसके द्वारा और कुछ हमारे जाति वालों को कैसे घुसा जा सकता है अंदर सरकार में? उसके लिए प्रयत्न करते हैं कुछ लोग। और इस तरह से और भी जब एक व्यक्ति का मन और विशाल होता है, अपने प्रदेश वालों के साथ उसका प्रेम होता है, अपनी भाषा बोलने वालों का, इस तरह आप देख सकते हैं कि एक इंसान का दृष्टिकोण बहुत संकुचित होता है, सीमित होता है छोटे छोटे प्रदर्शन के ऊपर। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत लिखी, Where the world is free from fear, where the knowledge is free, ऐसे एक गीत है। Where the world is not divided into fragmental parts by narrow domestic walls, ऐसे एक गीत है। बोल रहे हैं कि अरे सारे भूमि जो है उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग नाम दिया गया है, नाम किसने दिया? हमने ही दिया ना। वो बोलते हैं जैसे पाकिस्तान पहले नहीं था, बर्मा नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, तो भारत ही था सब कुछ, उसको टुकड़ा करके नामकरण कर दिया, उसकी बोला कि अभी ये हमारे लोग हैं वो हमारे दुश्मन लोग हैं, इस तरह के बातें मनुष्य ने इंसान ने किया है ऐसे बताते हैं, जिसके कारण इंसान ऐसे झगड़ा करता है। जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की विभाजन जब हुई उसमें अनेक रिश्तेदार फंस गए, क्योंकि मान लीजिए आपके मामा नॉर्थ अमेरिका में है और आप साउथ अमेरिका में हो, ऐसे हो सकता है कि नहीं? ऐसे हुआ जब पाकिस्तान की विभाजन हुआ तभी भी। तो इस तरह के जब ज्योग्राफिक विभाजन होता है तब ये समस्या हो सकता है। लेकिन जब हम मानेंगे, हम समझेंगे कि हम सब भगवान के पुत्र हैं पुत्रियां हैं, तो ये इस तरह की मैं तू तू का भावना नहीं होगा। जैसे हमारे NVCC मंदिर है, कैंप मंदिर है, अभी दो मंदिर अलग मैनेजमेंट चलने वाला है एक ही शहर में, तो एक ही शहर में अगर दो मंदिर होते हैं, इस मंदिर अभी ब्रह्मचारी उधर कौन रहेंगे इधर कौन रहेंगे वो निर्णय लिया जाएगा, और कांग्रेगेशन उधर कौन जुड़ेंगे इधर कौन जुड़ेंगे, डोनेशन उधर कौन देगा इधर कौन देगा,
कार्यक्रम अगर होता है तो सीमा किधर है, किधर तक हम कार्यक्रम कर सकते हैं, नहीं तो दोनों कहीं भी कर सकते हैं क्या। तो इस तरह के प्रश्न वगैरह जब उठते हैं, ये बहुत सीधी सी बात है, जब हृदय एक व्यक्ति का हृदय विशाल है, वसुधा एव कुटुंबकम, सारे भूमि को ये कुटुंब मानता है और भगवान को परमपिता मानता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन दुश्मन है इस दुनिया में। प्रहलाद के लिए कोई दुश्मन नहीं थे, सबको सम भावना में वो देखते थे। तो किसी भी जैसे गोरे लोगों ने काले लोगों को दुश्मन माना, नहीं तो गुलाम माना, इस तरह जर्मन लोगों ने यूद लोगों को दुश्मन माना, उनको मारने की व्यवस्था की। तो आप देखेंगे इस दुनिया में एक जीव अपने क्षुद्र जीव जो है अपना बस्ती बना लेता है और बाकी लोगों को दुश्मन मानता है वो। जैसे गले का कुत्ता होता है, कभी कभी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक कुत्ता बैठा रहता है, सारे गले को अपना मानता है वो। अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही चल रहा हो सड़क में, जोर से चिल्लाता है वो व्यक्ति ने कुछ नहीं किया इस कुत्ते को, फिर भी वो चिल्लाता है। तो जय श्री राधा की। तो इस तरह की भावना से इसके बारे में क्यों शास्त्र बताते हैं, इस भावना के बारे में, अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुंबकम। इतनी महत्वपूर्ण बात चल रहा है ये समता के बारे में। जब हमारे मन में समता नहीं होगा, हम घंटों घंटे बिताना पड़ेगा हम समस्याओं को सुलझाने में। ये मेरे डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट का पैसा है, तुम्हारे डिपार्टमेंट का पैसा है, ये हमारा बस्ती है, तुम इधर नहीं आ सकते, हम उधर नहीं आ सकते, ऐसे अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम। दो तरह के लोग होते हैं, एक है उदार चरित वाले, दूसरे हैं लघु चरित वाले। जो लोगों का जैसे फ्रॉग इन द वेल बोलते हैं ना, कुपमंडुक, कुपमंडुक होता है, उसको कुआं को छोड़कर मालूम नहीं है। इसलिए हम लोग जब मीटिंग्स में जाते हैं, कोर्सेस में जाते हैं, जीबीसी कॉलेज में वगैरह, वो लोग सिखाते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे सोच विचार धारा ऐसे होना चाहिए कि सबकी भलाई सोचना चाहिए तुमको, साथ साथ अपने बस्ती में जो तुम्हारी कर्तव्य है उसको निभाओ। जैसे परिवार में भी, जॉइंट परिवार आप लोग जानते हैं, तो एक व्यक्ति के यहाँ हम गए थे, मैं उन्होंने बोला कि हम चार भाई हैं और सब भाई 40-50 के ऊपर हैं सब भाई, तो उनके बच्चे हैं, उनके बीवी बच्चे सब लोग, सारे परिवार आया था, 40-50 लोग थे परिवार के लोग हैं। अच्छा, मैंने बोला, आप पूछा, अच्छा आप जॉइंट फैमिली है क्या, मैंने पूछा, वो बोले क्या मान लीजिए जॉइंट ही है, वैसे तो जॉइंट ही है हम लोग, लेकिन क्या है, एक ही बिल्डिंग है, उसमें हमारा अलग अलग घर है, कुकिंग भी अलग चलता है, लेकिन घर निकट निकट है, एक ही क्या बोलते हैं उसको, ये एक बड़ा बिल्डिंग है, उसमें चार घर है, चार भाइयों का है। तो बोले कि गांव में एक ही बड़े इसमें रहते थे हम लोग, साथ में रहते थे छोटे रहते समय, अभी बड़े होने के बाद कम से कम निकट भी रह पा रहे हैं बस, क्योंकि एक ही घर में रहेंगे तो झगड़ा होता है कभी, हाँ तो कम से कम घर जुड़ा हुआ है निकट निकट, कम से कम उतना रहते हैं, ऐसे बोले वो। तो इस दुनिया में हमारे लघु चेतना के कारण हम लोग दूसरों को सम दृष्टिकोण से हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान के पास एक गुण है, सौशील्यता। सौशील्यता का मतलब क्या है, नीचे से नीचे लोगों के साथ भी भगवान मैत्री जोड़ते हैं, जैसे वानरों के साथ, जैसे एक निषाद परिवार के गुह के साथ भगवान मैत्री जोड़ते हैं, जैसे भगवान राम, प्रभु रामचंद्र राक्षसों के साथ भी मैत्री जोड़ा उन्होंने, जैसे रावण के भाई विभीषण। अगर वो भक्त हो तो भगवान परवाह नहीं करते हैं किस जाति पाति से तुम आए हो। भागवत में एक ऐसे वर्णन आता है कि कुछ कुछ नीच जाति के लोगों का शारीरिक कमियां हो सकते हैं, जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी बता रहे थे दो दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोगों का फोटो दिखा रहे थे, इतने वो लोग काले थे,
इतना काला था इसे अमावस्या जैसे काले है? तो महाराज बता रहे थे इससे काले आप देख नहीं पाएंगे आप है? फिर भी बाहर काला है उनका चमड़ा, लेकिन उनके हृदय में भी भक्ति भावना स्फुरित हुआ है, है? तो वैष्णव देख सकते हैं कि इनके हृदय में भक्ति भावना है, तो उस भक्ति भावना को देखकर उनको भी वो आलिंगन देंगे, परवाह नहीं करेंगे कि इतने कुट कुट कर कालापन भरा हुआ है, ऐसे नहीं देखेंगे वो। काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, लंबे हो, हाँ कोई भी क्यों न हो, हाँ वो वैष्णव सिर्फ वैष्णवता को देखेंगे उसमें। तो इस तरह वैष्णव सिद्धांत हमको सिखाता है समता, लेकिन वो समता का पालन करने वाले भगवान खुद ही होते हैं। तो दूसरी चीज से समता की बात आता है, अगर हमको किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी हो, उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ सब व्यक्तियों को हम दुश्मन मानते हैं। जैसे देवताओं ने देखा कि असुर का पुत्र असुर होना चाहिए, ऐसे सोचकर कायादु को मारने के लिए, कायादु को नहीं मारने वाले थे, कायादु के पुत्र को मारने के लिए कायादु को गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे इंद्र इत्यादि। तो इससे पता चलता है कि इंद्र और बाकी देवताओं का अनुमान गलत निकला, क्योंकि प्रहलाद तो महान शुद्ध भक्त होकर जन्म लेने वाला था। नारद मुनि को पता था, उन्होंने बताया कि अरे ये तो महाभागवत होगा, छोड़ दो कायादु, कायादु को छोड़ दिया वो लोगों ने। लेकिन भगवान नरसिंह देव कभी भी प्रहलाद के और उस नजर से नहीं देखा उन्होंने। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि अलग अलग पिता असुर है लेकिन बेटा असुर नहीं निकला, जैसे हिरण्यकश्यपु असुर है लेकिन प्रहलाद भक्त बनकर निकला। तो भगवान हरेक को अलग अलग कंपार्टमेंट में देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये पिता का ये बेटा है, ये पिताजी मेरे दुश्मन इसलिए भी दुश्मन होगा, ऐसे नहीं देखा भगवान ने। तो इसलिए प्रहलाद के एक श्लोक में चक्रवर्ती ठाकुर का एक टीका है, उसमें बताते हैं कि प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया भगवान ने, हालांकि प्रहलाद था असुर पुत्र। इसके विरुद्ध भगवान को भूमि के साथ ही एक बेटा हुआ, उसका नाम था भौमासुर। वो ब्रह्म भौमासुर को उसका और एक नाम है, क्या है भौमासुर का, नरकासुर, नरकासुर भगवान ने उसको वध किया, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध था। वो भगवान ने देखा नहीं कि ये मेरा पुत्र बना है, उसको भी वध कर दिया भगवान ने, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध था, नास्तिक बना निकला वो। लेकिन असुर के पुत्र को गोद में लिया भगवान ने, इससे ये समता का सीमा है, इससे बढ़कर कौन देख सकता है कुछ और उदाहरण, है ना। तो ये बहुत मुश्किल है देखने के लिए। हर एक व्यक्ति इस दुनिया में, जैसे कोई माता जी अपने बच्चे को कुछ अच्छा कहलाती है, पड़ोस की बच्चा आता तो चिमटी देकर भगा देती है, मेरा बच्चा उसका बच्चा, इस तरह मैं तो करने वाले लोग बहुत होते हैं ऐसे, है ना। सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ माताएं अच्छे हैं, पड़ोस के बच्चे को भी गोद में लेकर खिलाएंगी, लेकिन बोलने का मतलब है कि भगवान के अंदर इस तरह का समता हम देख सकते हैं। असुर को भी अपना अपना मान लिया भगवान ने, उनकी भक्ति भावना देखकर। तो हम लोग भी यह सीखने लायक गुण है भगवान से, समदृष्टि से सब जीवों को देखना, सब जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखना और उनको आदर देना, ऊपर ही ऊपर उनके चमड़ा देखना, उनके पढ़ाई देखना, उनके इत्यादि के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना। भगवान नहीं देखते हैं कौन अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, कौन बड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कौन धनी है, कौन गरीब है। तो अगर हम लोग इन विषयों के इस तरह समता नहीं रखेंगे, हमारे मन विचलित होगा। देखिए, अगर कोई धनी है उसके लिए, उसके साथ हमारा बोलचाल अलग बनता है, अगर कोई गरीब है उसके साथ अलग बोलचाल हमारा अलग बनता है, तो उसके कारण क्या होगा, मन हमेशा एक तरह का चिंता में पड़ा रहेगा, अरे सावधानी से बात करना चाहिए, उसके ऐसे बात करना चाहिए, इसको थोड़ा घुमाना चाहिए, है इस तरह का मन अलग अलग योजना बनाता जाएगा मन, ऐसे मन कभी आराम नहीं कर सकता। समदृष्टि से देखने वाले व्यक्ति का दृष्टि भगवान जैसे ही होता है, इसलिए बोलते हैं नमः समाय। आप समता के साथ सब जीवों को देखते हो, अपने बच्चों के रूप में देखते हो भगवान। दुर्योधन
कि जब जांग छूट गया था, नीचे गिर पड़ा था वो दुर्योधन, तब भगवान कृष्ण ने उनकी ओर मुड़कर देखा, एक करुणा दृष्टि के साथ देखा भगवान कृष्ण ने। उनको अच्छा नहीं लगा कि ये मूर्ख ये पांडवों के साथ एक समझौता करके अच्छी तरह से जी सकता था, लेकिन पांडवों को एक सुई के ऊपर बैठने वाले जमीन भी नहीं देकर उनको पांडवों को वध करने की इच्छा करते हुए युद्ध किया और युद्ध में खुद ही चल बसा। इस तरह भगवान उनकी ओर मुड़कर देखा भगवान ने। अब भगवान को करुणा भावना क्यों आया, क्योंकि दुर्योधन भी एक अंश है भगवान का ही, इस दृष्टिकोण से भगवान देखते हैं। तो ये भी समता है, भगवान किसी को दुश्मन के रूप में नहीं मानते। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है, देखा जाता है शास्त्रों में भगवान पक्षपात करते हैं कभी कभी, ऐसे दिखता है। जैसे देवताओं को अमृत बंटवारा किया भगवान ने, असुरों को धोखा दे दिया, तो मतलब क्या है? कुछ लोग सोचेंगे अरे देवताओं को खास उनके ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि उनकी इस दुनिया में लोग चमचा बोलते हैं ना, है ना, उनके सुर में सुर मिलाते हैं देवता लोग, इसलिए उनको अमृत दे दिया और असुरों को धोखा दे दिया, क्योंकि असुर लोग उनको मानते नहीं है। तो ऊपर ही ऊपर हमें ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, हम भगवान के अंदर भी दोषारोपण करते हैं हम बद्धावस्था में। लेकिन असली बात क्या है, जो लोग वैदिक संस्कृति को अपनाते हैं उनको भगवान प्रोत्साहन देते हैं, जो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध हैं भगवान उनको पोषण नहीं देते हैं। पयंपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, अगर एक सर्प को कोई केला खिलाएगा, अगर सर्प को कोई दूध पिलाएगा, सर्प उसको दूध पीकर केला खाकर मोटा बन जाएगा और विष का वर्धन होगा, आपको डसेगा वो और बाकी लोगों को भी अनावश्यक रूप से डसेगा वो। इसलिए सर्प को इस तरह से दूध पिलाना अच्छा नहीं है, शास्त्र बताते हैं। इसी तरह भगवान ने भी सोचा कि असुर लोग जो हैं इनको अमृत पिलाऊंगा और ये लोग आयु बढ़ जाएगा, और आयु बढ़कर पहले से ही देखा जाता है असुर लोग वैदिक संस्कृति को नकारते हैं और गायों को काटते हैं, अच्छे से पेड़ चीकू का पेड़, सेब का पेड़, आम का पेड़ को काट रहे हैं, बबुल पेड़ को बढ़ा रहे हैं, तो ये लोग और मंदिरों को तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने भगवान ने सोचा कि इनको पोषण नहीं देना चाहिए से लोगों को, इसलिए उनको अमृत नहीं दिया। और देवता लोग जो हैं वो गाय गोमाता की रक्षा करते हैं, गाय से मिलने वाले दूध को पीकर उनके मस्तिष्क मजबूत होता है और उससे शास्त्र पढ़कर सही पथ में चलते हैं, और घी से घी जो मिलता है उसको यज्ञ याग करके यज्ञ करके वो देख सकते हैं कि आप सारे दुनिया का जो लक्ष्य है, भगवान ने किसी लक्ष्य के साथ दुनिया बनाया है, दुनिया का लक्ष्य क्या है, सब जीव भगवान के दिए हुए विधिविधानों को पालन करके भगवद्धाम लौट चले। तो वैदिक संस्कृति का लक्ष्य को देवता लोग पालन करते हैं, इसलिए उनको भगवान ने अमृत दिया, वही मूल कारण है। ऐसा नहीं कि भगवान अगर वो असुरों में अगर कोई असुर निकला देवता जैसे, तो भगवान उसको छोड़ देंगे, जैसे माया दाना असुर ही था वो, लेकिन अर्जुन का पांव पकड़ा, अर्जुन का आश्रय लिया, भगवान ने छोड़ दिया उनको, मारा नहीं उनको। इस तरह वो भी देखा जाता है, बलि महाराज भी असुर के परिवार में जन्मे हैं, शरण लिया भगवान की, भगवान ने मारा नहीं उनको, इसके विरुद्ध उनको इंद्र बना दिया अगले जन्म में। इससे पता चलता है सरल बात, जो वैदिक संस्कृति को अपनाता है, भगवान की जो आयोजन है सब जीवों की कल्याण के लिए, उसके जो साथ देता है उसको भगवान अपना मानकर उसको पोषण देते हैं। लेकिन अगर कुछ कुछ घर में भी देखा जाता है, जब बच्चे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे होते हैं माता पिता की बात तो नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं। और आपने देखा है कभी बच्चे, बच्चों में भी देखा जाता है, एक बच्चे को दिया जाता है तुम ये टेडी बेयर लो, तुम ये खिलौना लो, लेकिन कुछ कुछ बच्चे सब बच्चों के खिलौना को खींच लेते हैं अपने पास और सब बच्चों को भगा देते हैं, निकल जाओ तुम, तो माता को आना पड़ता है, पिताजी को आना पड़ता है, उनको एक चिमटी देकर सबको लौटाना पड़ता है ऐसे। तो इस तरह इस दुनिया में भी बलि महाराज ने देवताओं के राज्य को लेकर अपने पास रख लिया, बोला कि मैं सारे दुनिया का राजा बनूंगा, त्रिलोकाधिपति, तो भगवान वामदेव के रूप में आकर उसको उससे निकाल कर देवताओं को दे दिया उन्होंने ऐसे। तो इसलिए आप देखेंगे
अभी देखिए आगे बताया जा रहा है शुद्धाय। शुद्धाय का मतलब क्या है? भगवान अगर कथाकथित पाप कर्म भी करते हो लेकिन उसमें पाप नहीं है। उदाहरण के लिए इस दुनिया में धोखा देना पाप है, करेक्ट ना? भगवान ने छलयसी विक्रमणे ऐसे बताया गया है। छलयसी का मतलब है भगवान ने एक वामन देव के बट्टू ब्राह्मण के रूप में आया, एकदम तेजोमय ब्राह्मण, एक छतरी लेकर हाथ में कमंडलू पकड़कर आ पहुंचे। लकड़ी का चप्पल पहने थे तो सब लोगों ने देखा कि ये तो बहुत तेजोमय ब्राह्मण है, सब लोग खड़े हो गए उनका आदर देने के लिए। तो राजा बहुत खुश हो गया कि मेरे सभा में आज मेरे यज्ञ हो रहा है, इधर इसमें एक तेजोमय ब्राह्मण आया है तो उसको दान देकर मैं यशस्वी बनूंगा, इस तरह सोचकर बलि महाराज बहुत खुश हुआ। तो भगवान आकर उसको तीन ही पांव मांगा उन्होंने, वामन देव ने। तो आप लोग बोलेंगे ये क्या सही है क्या, भगवान ने तीन छोटा पांव मांगा लेकिन सारे दुनिया को माप लिया तीन पांव में, दो पांव में, ये क्या धोखा नहीं क्या? क्या भगवान ऐसे काम कर सकते हैं क्या, ऐसे कुछ लोग पूछेंगे। तो भगवान ऐसे लीला करते हैं अपने भक्तों से, जैसे कभी कभी माता पिता भी अपने बच्चे को धोखा देते हैं। मान लीजिए अगर मोबाइल रखा गया है, एक छोटा बच्चा मोबाइल को हाथ में ले लेता है, वो मोबाइल ने रिंग करके वो बात करना चाहता है। माता को मालूम है कि बच्चों को बड़ा मोबाइल हैंडल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका जो स्कल जो है एकदम मुलायम होता है, अगर मोबाइल से बात करेंगे कान के पास रखकर उनको ब्रेन में समस्या होता है, ब्रेन का कुछ व्याधि हो जाता है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बच्चों को कान में मोबाइल रखकर बात नहीं करना चाहिए, माँ बाप जानते हैं कि उसके लिए हानिकारक पहुंचेगा, हानिकारक होगा, लेकिन बच्चा सुनता नहीं मोबाइल, लेकिन नहीं नहीं मैं बात करना चाहता हूँ, रोता है चिल्लाता है हट करता है, क्या किया जाए। माता एक लॉलीपॉप देती है, लॉलीपॉप खाने के लिए उधर जाता है तो वो मोबाइल को निकाल कर दूसरा मोबाइल दे देती है, क्या मोबाइल है वो डब्बा है, मोबाइल जैसे डब्बा है। तो बच्चा लॉलीपॉप खाते खाते वापस लौट आता है, देखता कि नया दूसरा मोबाइल आया अभी, वो उसको लेकर बोलता है हेलो हेलो, दूसरे कोई बोलने वाले नहीं है दूसरे साइड में। तो माता भी ऐसे बच्चे को कभी धोखा देती है, लेकिन माँ के जो धोखा खाता है बच्चा, हम माँ को कुछ गलत नहीं स्थापित कर पाएंगे क्योंकि माँ के हृदय में प्रेम ही प्रेम है। तो बच्चे के ऊपर ऐसे प्रेम है, बच्चे की सुरक्षा के लिए उन्होंने सही असली मोबाइल को ले लिया, नकली मोबाइल दे दिया उसको, है ना? किसकी भलाई के लिए? हाँ, बच्चे की भलाई के लिए। तो इस तरह भगवान भी जब धोखा कथाकथित धोखा देते हैं, भगवान भी वो सब जीवों की भलाई के लिए करते हैं वो, हाँ? इसमें कुछ दोष आरोपण हम नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि भगवान ने उनसे राज्य को ले लिया बलि से, इंद्र को लौटा दिया, लेकिन जब बलि शरण गया भगवान के श्री चरणों में, भगवान ने बोला कि अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे और तुमको यही राज्य प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हाँ? वो ही मोबाइल जो माँ ले लेते बच्चे से, वो बच्चा बड़ा होने के बाद दे देगी उसको वापस, तुम अभी रख सकते हो क्योंकि इसको नुकसान नहीं करेगा तुमको, हाँ? आप देख सकते हैं क्योंकि अभी तुम्हारे लिए नुकसान कर रहा है क्योंकि तुम इसको गलत प्रयोग कर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि क्योंकि भगवान के हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उसमें कुछ त्रुटि नहीं है। हम लोग इस दुनिया में धोखा देते हैं किसी को, वो हमारी भलाई के लिए हम दूसरों को धोखा देते हैं, हाँ? हमको लाभ चाहिए दूसरों को नुकसान, ये धोखा है। जैसे एक व्यक्ति को उसने मोबाइल देखा बाथरूम में कंपनी में, बहुत महंगा मोबाइल 30,000 रुपया का था, तो वो अपने फ्रेंड को पूछ रहा है अभी क्या करना है, मोबाइल मिला हमको बाथरूम में। तो फ्रेंड ने बोला ठीक है मिला तो जिस व्यक्ति का है उसको दे दो। वो बोला कि नहीं नहीं वो व्यक्ति भूल गया बाथरूम में, छोड़ दिया उसने, तो मुझे मिल गया, मुझे क्या करना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ उसको बेचने के लिए, इसको बेचकर पैसा बनाकर मेरे पॉकेट में डाल लूं। तो बोला कि अरे ये तो धोखा हो गया, दूसरों का धोखा नहीं जाना चाहिए, पाप है, तुम अभी उनका मोबाइल चोरी करो अगले जन्म में तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाएगा, तुम ये चोरी करो 10 चोरी हो जाएगा तुम्हारा। तो इंसान दूसरों को धोखा देकर खुद लाभान्वित होना चाहते हैं खुद, है कि नहीं? लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान को क्या लाभ हो सकता है किसी से, जो भी जीवों के पास है वो सब किसके हैं, हाँ? भगवान के ही है ना।
भगवान भगवान अगर किसी से लेते भी हैं अपना ही ले रहे हैं भगवान। इसलिए बता रहे हैं कि शुद्ध आया का मतलब क्या है, भगवान इस तरह के लग रहा कि गर्हीय काम कुछ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि नहीं है क्योंकि वो जीवों की भलाई के लिए ही करते हैं। दूसरा चीज है, जैसे अर्जुन को भगवान ने भगवद गीता देकर कुरुक्षेत्र युद्ध करने के लिए पाबंदी किया, तो कुछ लोग बोलते हैं अरे अर्जुन तो अच्छा था, वो हिंसा करने की इच्छा नहीं थी, वो अहिंसक था, उसको अपने प्रेरित करके इतना बड़ा युद्ध मचा दिया, कृष्ण ने बड़ा पाप कर दिया। कुछ एक धर्म के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि क्योंकि कृष्ण ने इस तरह पाप किया वो नरक में जाएंगे, सोचते हैं कुछ लोग, कितना बड़ा मूर्खता है वो। भगवान खुद ही बताते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो बिजानाति कर्म बिर्न सबद्यते। ऐसे बताते हैं भगवान कि अर्जुन कर्म मुझे कभी स्पर्श नहीं करता। और इतना ही नहीं, भगवान ने जिन जिन योद्धाओं को युद्ध में मारने के लिए पाबंद किया अर्जुन को, वो सब योद्धा सैनिकों को भगवान ने उद्धार कर दिया अपने दृष्टिपात मात्र से। इसलिए भगवान हमेशा शुद्ध रहते हैं, उनके संबंध में जो भी आते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जैसे अपने ओंटों की स्पर्श से सारे पुतना के घोर विशाल शरीर को भगवान ने सुगंधित शरीर बना दिया, कि उनकी पवित्रता है, उनकी शुद्धता है, हमेशा शुद्ध रहते हैं। जैसे कमल का एक नाम है पंकज, पंक का मतलब है कीचड़, ज का मतलब है उधर जन्म लेने वाली जो कमल होता है। आप देखेंगे कीचड़ के बीच में जन्म लेने वाली जो कमल है वो एकदम साफ सुथरा रहता है, उसको कीचड़ स्पर्श नहीं करता उसको। इस तरह भगवान भी कीचड़ जैसे इस दुनिया में जब अवतरित होते हैं उनकी शुद्धता में कुछ कोट नहीं आता, कुछ त्रुटि नहीं आता है, हमेशा शुद्ध रहते हैं भगवान। ये शुद्धाय ऐसा बताया गया, एक उदाहरण दिया गया है उपनिषद में, ईशोपनिषद में, ईशोपनिषद में कि सूर्य जो होता है वो मलमूत्र को चूसता है, लेकिन सूर्य गंदा नहीं होता है कभी, एकदम शुद्ध रहता है और वो स्थान भी साफ सुथरा हो जाता है, इसलिए शुद्धाय ऐसे बताया गया। भगवान भी जब परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा सुखदेव जी को, ऐसे कैसे भगवान ने गोपियों के साथ नाचा, ये तो अधार्मिक कार्य दिख रहा है, इस तरह अनेक स्त्रियों के साथ कोई नृत्य करता है तो एक ठीक नहीं है, क्या लोग सोचेंगे, इसके कारण दुनिया में अधर्म फैल जाएगा, आपका सोचना क्या है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करते हुए चलते फिरने वाले ऋषि मुनि भी ब्रह्मचारी सन्यासी के रूप में रहते हैं इस दुनिया में, वो अनासक्त होकर इस दुनिया में पूरे जीवन अकेले होकर बिता देते हैं, तो भगवान को एक स्त्री के साथ नाचने की क्या जरूरत है। इस दुनिया में देखा गया है ना, इस दुनिया में आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने वाले भी लोग होते हैं, अगर उनको एक स्त्री की जरूरत नहीं है तो भगवान को क्या जरूरत है, ऐसे बोला उन्होंने। इतना ही नहीं, भगवान को अपने हृदय में धारण करके अपने चित्त को शुद्ध करते हैं लोग, ऐसे सन्यासी लोग अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए भगवान को अंदर ले लेते हैं अपने हृदय में, लेकिन ऐसे दूसरों को शुद्ध करने वाले भगवान हरि सर्व अमंगल हरे इति हरि, सब अमंगलता को मिटाने वाले भगवान हरि वो खुद अमंगलमय कार्य कैसे कर पाएंगे, वो नहीं हो सकता। इसलिए तुम समझो भगवान जो नृत्य कर रहे हैं अपने ही भक्तों के साथ, इसमें लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है, ये पवित्र है। भगवान 7 वयस में तो गोवर्धन उठाते हैं, 8 वयस में रासा नृत्य में भाग लेते हैं, और उन भक्तों को ही रासा नृत्य में अनुमति है जिनके मन में लेश मात्र भी कामुक भावना नहीं है, काम भावना नहीं है, भोग वृत्ति नहीं है। जो भोग वृत्ति था जिनमें उनको अनुमति नहीं था रासा नृत्य में, इस तरह निर्मल पवित्र जीवों को ही अनुमति दिया गया भगवान के साथ नृत्य करने के लिए, क्योंकि भगवान खुद ही एक पवित्र व्यक्ति है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, एक पवित्र पुरुष के साथ नाचने के लिए हमको भी पवित्र होना पड़ेगा,
जैसे अगर आग के अंदर प्रवेश करना हो तो इस शरीर के साथ हम प्रवेश करेंगे तो पूरा शरीर जल जाएगा ना, हमको भी एक आग का शरीर की जरूरत पड़ेगी। इस तरह भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो हम भी सच्चिदानंद होने से ही हम नाच पाएंगे। तो आप भागवत में पढ़ेंगे, माता पिता ने देखा गोपियां घर में लेटी हुई थी, सो रही थी, लेकिन उधर भगवान के साथ नाच भी रही थी। कैसे दोनों हो सकता है? क्योंकि भगवान के साथ नाचने वाली गोपियां अपने आत्मस्वरूप में थी, और घर में जो था उनके शरीर को देखा, ऐसे बताया गया है भागवत में। तो इस तरह भगवान कुछ कुकर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कथा कथित कुकर्म जैसे कुछ दिखता भी क्यों ना हो, वो भी दिव्य बन जाता हो कार्यक्रम। जैसे भगवान घर घर में जाकर माखन चोरी करते हैं, तो जब माखन की चोरी करते हैं भगवान, उससे गोपियां कुपित होकर यशोदा को जाकर शिकायत करती हैं। तो गोपियां बोलती है कि देखो तुम्हारे बेटे के शरीर में इतने अलग अलग आभूषण पहनाते हो तुम यशोदे, इसके कारण हमारे घर में जब आता है वो पहचान पाता है कि किधर रखा गया है, छत के ऊपर हमने माखन रखा है, वो पहचान पाता है। तो यशोदे ने बोला कि अभी आगे जाकर इसके आभूषण को सब निकाल दूंगी, ताकि आपके घर के अंधेरे में पहचान नहीं पाएगा आपके ये जो गड़ा है इत्यादि को। तो वो बोले कि नहीं नहीं, उसको आभूषण को निकालो मत, क्योंकि आभूषण को निकालने के बाद भी इसके शरीर से एक कांति निकलता है, ब्रह्म ज्योति का कांति निकलता है इसके शरीर से, ऐसे बोली वो। तो अनेक गोपियां गाते हुए आकर शिकायत करती थी यशोदा को, उनको कृष्ण की शरारती बहुत अच्छा लगता था, उनको उनकी उनको सुख देने के लिए, अपने ही भक्तों को सुख देने के लिए भगवान ऐसे शरारती करते थे। जैसे सुबह सुबह उठकर किसी गोपी के घर के पीछे चले जाते थे और बछड़े को निकाल देते थे, उसके रस्सी निकाल देते थे, बछड़ा तुरंत भागता था गाय के पास दूध पीने के लिए। तो गोपी उसका आवाज सुनकर जोर से चिल्लाती थी अपने पति को, देखो 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 कान आकर सब बच्चों को, सब बछड़ों को छिटवा दिया, सब बछड़े जाकर दूध पीना चालू हो गया उनका, भागो भागो तुम बर्तन लेकर भागो, क्योंकि थोड़ा दूध दुहना भी है, थोड़ा बछड़े को छोड़ना भी है ना। तो उनके पति भागते थे, गोपी भी पीछे भागती थी, अभी घर में खाली पड़ा है, कोई नहीं है, तो कृष्ण घुस जाते थे अपने मित्रों के साथ, जाकर माखन चोरी करके भाग जाते थे ऐसे। तो ये गोपी हंसती थी और बाद में जाकर यशोदा को शिकायत करती, देखो तुम्हारे बेटा कितना बुद्धिमान है तो वो छोटा है लेकिन बुद्धि बड़ा है उसकी है, तो हमको हम लोगों को घर से बाहर निकालना तो उसका उपाय ऐसा उपाय है उसकी है। तो देखने में लग रहा है कि चोरी कर रहे हैं माखन की, लेकिन सब दुनिया भर के माखन उनसे ही निकलता है, भगवान से ही है, अहम सर्वस्य प्रभु। इसलिए बताते हैं भगवान शुद्ध हैं, पवित्र हैं, अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस तरह की लीला करते हैं, शरारती करने से प्रेम और बढ़ता है, वो शरारती करने से। इसलिए हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई चोर कोई पिक पॉकेट होता है, किसी के पर्स चोरी किया, पुलिस उसको बेल्ट निकाल कर मारते हैं उसको, है वो चोरी को दंड मिलता है दुनिया में, लेकिन भगवान जब माखन की चोरी करते हैं उनका नाम यश फैलता है कि माखन चोर भगवान की। अगर कोई रण छोड़कर भागता है वो दूषित माना गया है, कि उन दिनों में अगर कोई रानी देखते है कि राजा युद्ध से भागते हुए घर वापस लौट आया है, उसको अंदर छोड़ेगी नहीं, दरवाजा बंद करके बोलेगी तुम निकल जाओ, तुम्हारे पीछे एक बाण है उसको निकाल दो, सामने एक बाण के साथ आओ मैं छोड़ूंगी तभी अंदर, ऐसा है। तो रण छोड़ना बहुत गलत काम माना गया है, लेकिन भगवान जब रण छोड़ते हैं, क्यों रण छोड़ते हैं, क्योंकि रुक्मिणी का एक लेटर आया था, एक ब्राह्मण लेकर आया था, रुक्मिणी को अपहरण करने के लिए भगवान को जाना था, अभी खाल वेल बहुत कम था, तो भगवान ने सोचा कि अभी जाना पड़ेगा हमको, तो भगवान ने रण छोड़कर चले गए। हो सकता है कोई लोग उनकी बदनाम करेंगे, लेकिन भगवान ने परवाह नहीं किया, क्योंकि हमारे भक्तों को भक्त की रक्षा में हमारे मान सम्मान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे सोचकर भगवान निकल गए। इसलिए भगवान के कार्य में कुछ दूषण नहीं है, उनका नाम बनता है रणछोड़ राय कृष्ण भगवान की। इसलिए बताते हैं शुद्धाय नमस्तमाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च, वो ही परम पुरुष है। पुरुष का मतलब क्या है? भोक्ता, भगवान ही पुरुष है। भगवद गीता में आपको ये नाम आपको सुनने को मिलेगा पुरुष। एक बार हमारे केशंत प्रभु ने पूछा मुझे,
उन्होंने पूछा कि प्रभु जी, जीव के लिए भी पुरुष नाम इस्तेमाल किया गया है भगवद गीता में। पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंगते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसज्ञो निजन्मसु, ऐसे एक श्लोक है। अच्छा, जीव भी पुरुष है क्या? जीव पुरुष नहीं है, जीव पुरुष का नाटक कर रहा है, इसलिए उसको भी पुरुष नाम से संबोधित किया गया भगवद गीता में। अपने आप को जैसे देखे, एक बार एक छोटा लड़का था, उसने देखा कि हमारे पिताजी इधर रेस कोर्स में बड़े घोड़े में सवार करके भागते हैं, टकटक टकटक टकटक, उसको अच्छा लगा उसको देखकर, बोला पिताजी को उतर जाइए, हमको चढ़ना है ऊपर। पिताजी बोले, अरे तुम छोटे बच्चे कैसे चढ़ोगे, ये घोड़ा तुमको इतना जोर से, घोड़ा जब भागता है तुम उछल कर नीचे गिर जाओगे, तुम्हारा टांग टूट जाएगा, सर टूट जाएगा, बच्चे तुम छोटे हो, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन बहुत हट किया उसने। तो पिताजी ने बोला, ठीक है आ जाओ, तुम भी बैठो मैं भी बैठूंगा, दोनों साथ में जाते हैं। वो बोला, ये क्या नाटक कर रहे हैं आप, हम आपके साथ में बैठेंगे, आप चलाएंगे, हम क्या बैठे बैठे देखते रहेंगे क्या, हमको चलाना है, आप उधर जाइए, बोला। तो पिताजी ने सोचा क्या किया जाए, तो एक चीज तो आप कर सकते हैं, बच्चे को नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलने से बच्चा क्या करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, जोर से रोएगा, लोट पटेगा जमीन में, सब लोग देखेंगे क्या बच्चे को रुला रहे हैं आप, ऐसे बोलेंगे, क्या किया जाए। नहीं तो कान के नीचे एक जोर से एक लाफा दे सकते हैं, फाट करके, बच्चा रोते हुए सो जाएगा, लेकिन बच्चे के साथ संबंध टूट जाएगा। अभी सोकर उठने के बाद बोलेगा, पिताजी आपके साथ कुछ बात नहीं करना है, क्योंकि आपने इसे हमको पिटाई कर दिया आपने, है ना। नहीं तो तीसरा चीज कर सकते हो आप, उसको घोड़े में बिठा दो, आंख बंद कर लो, जो होना होगा, टांग टूट जाएगा, सर टूट जाएगा, उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्या किया जाए, बच्चा हट कर रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तीनों नहीं करेंगे पिताजी, क्या करते हैं, पिताजी बड़े बुद्धिमान है, उसके लिए और एक लकड़ी का घोड़ा दे सकते हैं, दे देते हैं उसको, है ये लकड़ी का घोड़ा ले लो, ऐसे। तो बच्चा सोचता है कि अच्छा, मेरे खुद के लिए, मेरे लिए हमेशा के लिए घोड़ा दिया आपने, बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है, खुश हो जाता है, पिताजी बड़े घोड़े में और ये छोटे घोड़े में। वो छोटा घोड़ा वाला को पुरुष भी बोला गया है, क्योंकि वो अपने आप को क्या मान रहा है, वो ये बड़ा वाला पिताजी जो है वो असली पुरुष है, लेकिन पुरुष का नकली कर रहा है, कौन, वो बेटा। पुरुष प्रकृतिस्थो ही, प्रकृतिस्थ मतलब है प्रकृति रूपी शरीर में बैठ कर, ये घोड़ा, यही घोड़ा हमारा, जिस घोड़े में हम लोग बैठे हैं। देखिए लोगों को इसको अंग्रेजी में लॉर्ड ओवर बोलते हैं, लॉर्ड ओवर। अभी मैंने देखा, हम लोग गए थे पुरी में, जगन्नाथपुरी में, हम लोग सुबह सी शोर में, ये समुद्र के किनारे में हमारे मंगला आरती हुआ, जपा हुआ, हम लोग कर रहे थे उधर। तब हमने देखा उधर जो ऊंट होता है ना, ऊंट, ऊंट के ऊपर दो तीन लोग बैठते हैं, तीन चार लोग बैठते हैं ऊपर, और ऊंट ऐसे चल रहा है किधर, वो रेत में ऐसे घुमा, तो ऐसे ऐसे जाता है, देखा आपने, ऊंट जाते समय ऐसे ऐसे लोग, तो लोग ऐसे ही जा रहे हैं। मैंने देखा कि क्या ऊंट के ऊपर बैठ क्या कर रहे हैं, वो लोग बोले नहीं प्रभु जी, सवारी का आनंद ले रहे हैं उसके ऊपर बैठकर। तो लोगों को ऊंट के ऊपर बैठकर चलना अच्छा लगता है, हाथी के ऊपर बैठते हैं कुछ लोग, कुछ लोग घोड़े के ऊपर बैठते हैं। लोगों को वी हैव टू लॉर्ड ओवर समबडी, लॉर्ड ओवर द, यू नो, लॉर्ड ओवर द हॉर्स, लॉर्ड ओवर द एलिफेंट, लॉर्ड ओवर द कैमल, और लॉर्ड ओवर द अदर पीपल। किसी कंधे के ऊपर चढ़ जाओ, उनको उनको बॉस ओवर करो। तो यही पुरुष है, छोटा पुरुष है ये, लेकिन अपने आप को परम पुरुष मान रहा है ये मूर्ख, हाँ, इसलिए। लेकिन भगवान जो असली पुरुष है, असली भक्तान, क्योंकि सारे दुनिया चल रहा है उनकी इच्छा से। मद भयात वातिवातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्रो दहत्यग्निर् मृत्युश्चरति मद भयात, ऐसे भगवान बताते हैं। उनकी इच्छा से सूर्य का उदय होता है, उनकी इच्छा से मौसम बदलती है, उनकी इच्छा से बारिश होती है। वो सिर्फ इच्छा मात्र करने से सब उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाते हैं। सारे एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के वो नायक हैं, वो ही असली पुरुष हैं, इसलिए पुरुषाय बोलते हैं। पराय चक मतलब वो दिव्य हैं। क्यों पराय बोला गया है? इस दुनिया में एक डॉक्टर था, वो किसी द्वीप में जाकर लोगों के व्याधि को ठीक करने के लिए गया, लेकिन खुद को ही व्याधि हो गया, वो उधर ही मर मिटा वो डॉक्टर।
इसी तरह कभी कभी हम प्रचारक होते हैं, प्रचार करने के लिए कुछ जीवों को, दूषित जीव जो होते हैं तीन गुणों से दूषित, उनको शुद्ध करने के लिए, उद्धार करने के लिए कुछ प्रचारक समाज में घुसकर प्रचार काम में लगते हैं, खुद ही पतित हो जाते हैं इस दुनिया में देखा जाता है। लेकिन भगवान जो है इन तीन गुणों के बीच में रहते हुए भी कभी पतित नहीं होते हैं, इसलिए पराया बताया गया है। उनके वीर्य इतने हैं सूर्य के बराबर, कभी भी सूर्य में कितने भी बकेट पानी डालो वो पानी सूख ही जाएगा, वो सूर्य को कुछ नहीं कर सकता वो। लेकिन हम चिंगारी जैसे हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये टम्बलर एक ग्लास भी पानी डालो चिंगारी मिट जाता है, तो हम पतित हो सकते हैं जीव, लेकिन भगवान कभी पतित नहीं होते हैं, परायच ऐसे बताते हैं। वासुदेवाय, सब जीवों के हृदय में वसन करने वाले देव हैं भगवान ऐसे बताते हैं। सत्वाय, तो हमेशा वो दिव्य पद पर रहते हैं, वो इतने दिव्य होते हैं क्योंकि उनके श्री चरणों कहीं भी पड़ता है एक पत्थर भी अहिल्या बन जाती है, ऐसे उनके नाभि से एक कमल उगता है और उसमें उनके पहले पुत्र ब्रह्मा जी का जन्म होता है, उनके उनके आंखों से दृष्टिपात मात्र से मृत गोप बालक जो कालिया के विष से जो मर मिटे थे वो सब जग गए सिर्फ भगवान के दृष्टिपात से। इस तरह उनके हर अवयव दिव्य हैं भगवान के, इस तरह भगवान की गुणगान कर रहे हैं। भगवते नमः, षडैश्वर्य पूर्ण है भगवान। तो इस तरह हम लोग भागवत पढ़कर हरेक भगवान की गुणगान जो होता है, ऐसे ही गुणगान आप गजेंद्र मोक्ष में भी आप सुनेंगे, गजेंद्र के द्वारा सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं भगवान के। तो बहुत शब्द गहरे हैं, हम जो थोड़ा बहुत जो बोल पाए इस समय में हमने बोला, लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे और भी सुनने को मिलेगा आपको शास्त्रों में। तो इन नामों को हम याद कर सकते हैं और उच्चारण करके उनके गुणगान कर सकते हैं, साथ साथ लीलाओं के द्वारा इन गुणों की वर्णन सुनकर भगवान की ओर हमारी भक्ति भावना प्रेम इत्यादि बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह प्रचेताओं की प्रार्थना से हमारी मन में भी भक्ति स्फुरित हो सकती है इस भागवत को का श्रवण से, यही भागवत का उद्देश्य है। भागवत का श्रवण करते 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 धीरे धीरे भगवान के संबंध में सही समझावट हमारे हृदय में बैठ जाएगा, तब हमें समझ में आ जाएगा कि भगवान ही प्रभु हैं, भगवान ही केंद्र बिंदु हैं, भगवान ही सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, और हम क्षुद्र जीव हैं, उनके सेवक हैं, उनके दास हैं, उनके एक अंश हैं, हम उनके ऊपर कितना निर्भर हैं, ये सब समझकर हमारे हृदय में भक्ति भावना जग जाएगा। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस तरह, उन दिनों में तो भागवत प्राप्त होता था सिर्फ श्लोकों के साथ, अगर किसी के घर में कोई मर मिटे तो उसके लिए भागवत की पठन करने के लिए एक ब्राह्मण को लगाते थे, दो चार ब्राह्मण बैठकर पूरा 8,000 श्लोक को बोल दो, और लोगों को कुछ सुनाई नहीं देते थे, सुनते नहीं थे लोग, ऐसे ही ब्राह्मण लोग बोलकर निकल जाते थे, रिचुअल रीत रिवाज होता था। लेकिन प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि उन्होंने हर एक श्लोक का तात्पर्य दिया है। तो भागवत का मूलभूत उद्देश्य है कि हम इन तात्पर्यों को पढ़कर हर एक शब्द का अनुवाद समझकर भगवान की दिव्य गुणादिशियों को समझकर उनसे प्रेरित होकर हृदय में भक्ति भावना स्वरित हो, यही भागवत का लक्ष्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की।